बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में बहने वाली कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, एक बार फिर अपनी उग्रता से कोसी क्षेत्र के लोगों के बीच दहशत फैला रही है। करीब 56 सालों के बाद नदी ने अति रौद्र रूप ले लिया था। हालांकि अब कई इलाकों से बाढ़ का पानी कम हो रहा है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। नेपाल में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से कोसी और गंडक सहित उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों में उफान है। एक दर्जन से अधिक स्थानों पर तटबंध टूटा है। कोसी वीरपुर बराज और गंडक बराज में इस बार 56 साल के बाद रिकॉर्ड पानी डिस्चार्ज हुआ है और उसके कारण ही उत्तर बिहार के बड़े इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने दरभंगा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी व संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साथ ही ऐलान किया कि बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाएगी। वर्ष उन्होंने निर्णय लिया, पहले 6,000 रुपया दिए जाते थे बाढ़ पीड़ितों के खाता में, इस बार 7,000 रुपया दिया जाएगा, दशहरा से पहले लोगों के खाता में चला जाएगा। वहीं कोसी का रौद्र रूप अब शांत हो रहा है। 28 सितंबर को कोसी में आई बाढ़ के कारण सहरसा के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कोसी में आई प्रलयकारी बाढ़ ने जिले के 4 प्रखंडों की 10 पंचायतों को पूर्ण और 21 पंचायतों को आंशिक रूप से प्रभावित किया है। मैं आपसे भी अपील करता हूं, अगर आपके पास नाव है तो निश्चित आप लोग जो है हमको उपलब्ध करा दीजिए। अभी ये ऐसी घड़ी है कि जिसको जो हमको नाव की भी आवश्यकता अगर लगती है स्थानीय स्तर पे, क्योंकि जिला प्रशासन जो है इनपुट के हिसाब से एनडीआरएफ की टीम भेजता है स्थानीय स्तर पे, स्थानीय नाव जो है अगर अच्छे कंडीशन में है तो हम इकरारनामा करेंगे और उसको भी यूज। जिला प्रशासन मुस्तैदी से बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। तटबंध के अंदर फंसे लोगों की मदद के लिए सरकार नाव एम्बुलेंस भी चला रही है और इसके साथ ही नाव से गांव-गांव जाकर सूखा राशन भी पहुंचाया जा रहा है। कोसी नदी में 2.5 घंटे का सफर करके और बरियाही गाँव तक आप लोग को पहुँचाया हूँ और इसके बाद में यहाँ पे जो राशन वितरण वाला काम चल रहा है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ के कुल 17 और एसडीआरएफ के कुल 19 टीमों को तैनात किया गया है। वहीं प्रभावित इलाकों में करीब 930 नावें संचालित की जा रही हैं। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है, किस तरह से रहें, किन दवाइयों का इस्तेमाल करें, पूरी टीम जा रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी काम हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। डीडी न्यूज के लिए कुमार जय के साथ मधुरेश नारायण।